21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए खबरों पर नजर डालेंगे एक्सप्रेस अंदाज में। सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म। ईडी ने 3 दिनों में 11 घंटे तक केस सवाल जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। महराजगंज में दारोगा जी ने मांगी थी छुट्टी, सीओ साहब ने दे दिया रिटायरमेंट। यूपी के महराजगंज में दारोगा ने बीमारी का हवाला देकर सर्किल ऑफिसर से छुट्टी मांगी तो उन्होंने छुट्टी के साथ साथ उन्हें रिटायरमेंट भी दे दिया। इस आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे अलगाववादी नेता यासीन मलिक अस्पताल में भर्ती। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे यासीन मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलिक के रक्तचाप में उतार चढ़ाव आ रहा है। आयकर विभाग ने नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अस्पतालों पर की छापेमारी। आयकर विभाग ने नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद की 3 अस्पतालों पर छापेमारी की। इन लोगों पर करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के आरोप। चिकन खुद फ्राई होने के लिए आ गया पीएमएलए पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस पर तंज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर तंज कसा। गृह मंत्री अमित शाह से मिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी। मुंबई के कारोबारी से ठगे 2 करोड़ रुपए। मुंबई के कारोबारी प्रवल चौधरी ने स्पेशल सेल में जो शिकायत दी थी उसमें राहुल शाह, अनीश बंसल और ब्रिजेश रतन नाम के व्यक्तियों पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप है। विमानों की लगातार हो रही इमरजेंसी लैंडिंग पर डीजीसीए ने दिया जवाब। बताया कारण, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का कहना है कि बीते 1 साल में भारत में एयरलाइंस में 460 से अधिक तकनीकी खराबी की सूचना मिली है। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों ने 12,000 फीट ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। देशवासियों से की अपील। भारत सरकार स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के तहत लद्दाख में 9,000 की फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने तिरंगा फहराया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत ईडी को मिले अधिकारों को ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से दर्ज केस की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं। रोड रोलर से कुचल दी गई 62,000 शराब की बोतलें। कमिश्नर ने बताई वजह। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जब्त की गई 62,000 शराब की बोतलों को रोड रोलर से कुचल कर नष्ट कर दिया गया। शराब की बोतलों की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जब तक बाइक संभालते तब तक कट गई थी गर्दन। राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझी का कहर। सुमित नाम का युवक जब हैदरपुर फ्लाईओवर पर पहुंचा तभी वो चाइनीज मांझी की चपेट में आकर घायल हो गया। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स का खतरा दे रहा है दस्तक। जिले में मिले 2 संदिग्ध, एक का दिल्ली में चल रहा इलाज। गाजियाबाद में मिलने वाले मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीजों में से एक का इलाज देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है तो वहीं दूसरे मरीज के सैंपल को पुणे भेजा गया है। आप एमपी संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित। नारेबाजी और आसन की और पेपर फेंकने पर हुई कार्रवाई। मंगलवार को उनके ऊपर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप है। इसके बाद ही कार्रवाई की गई है। अगली खबर कर्नाटक से है। तोता हुआ था लापता, ढूंढकर लाने वाले को परिवार ने दिया 85,000 रुपये का इनाम। शेठी परिवार ने कहा कि उन्होंने 3 साल पहले बेंगलोर शहर से 2 तोते खरीदे थे। इनके नाम रियो और रुस्तुमा थे। रायपुर में 13 साल के बच्चे में मिला मंकी पॉक्स का लक्षण। आइसोलेट कर जांच के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना महामारी के बाद अब एक नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि राजधानी रायपुर में 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। दादी ने नहीं दिए 70 रुपये तो नाराज छात्रा ने लगाई फांसी। मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 12वीं की छात्रा ने दादी से 70 रुपये न मिलने पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर दिल्ली से है। शख्स ने वीएसपी ऑफिस को बम से उड़ाने की दी धमकी। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज दोपहर 12:41 पर कॉल मिली थी कि कोई शख्स झंडे वाला स्थित वीएचपी में दफ्तर में घुसकर ब्लास्ट करने की धमकी दे रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम प्रिंस पांडे है। कर्नाटक में बीजेपी युवा नेता की हत्या के बाद तनाव, विरोध प्रदर्शन, हथियारों की खोज में लगी पुलिस। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद सुलिया तालुका में बिल्लारे और अन्य स्थानों पर तनाव बना हुआ है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।